हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश और इस वीडियो में आज आपको मैं अच्छी जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो जो भी जानकारी है वो शेयर करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। इससे पहले आपने जो भी वीडियो मेरे चैनल पर देखे होंगे वहाँ पे मैंने फेस नहीं दिखाया है, विदाउट फेस फेस ही जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। कोई एक आधी वीडियो मैंने बनाया होगा जहाँ पे मैंने फेस अपना दिखाया होगा, वो भी स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जिन लोगों की जो फैमिली आईडी में इनकम बहुत ज़्यादा थी और अब वो ठीक हो गई है या कम हो गई है लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बना है, तो उन लोगों के लिए है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे अब जो मेरी इनकम थी वो कम हो गई फैमिली आईडी में, फिर भी 1-2 महीने से ऊपर हो गया था, टाइम ज़्यादा ही हो गया था। इनकम भी ठीक हो गई थी लेकिन वहाँ पे जो राशन कार्ड है वो बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। तो मैंने क्या किया, सीएससी सेंटर पे जाके अपना जो है फैमिली आईडी का जो प्रिंट आउट निकलवाया। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में वो प्रिंट आउट पे जिस तरीके से साइन होते हैं अपने, जैसे कि हर बार जब हम नई फैमिली आईडी बनाते हैं वहाँ पे प्रिंट करते हैं और फिर उसे वहाँ पे दोबारा से अपलोड करना होता था, वैसे ही अब आपको करना है। ठीक है, जब इनकम आपकी ठीक हो गई है तो आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है सीएससी सेंटर पे जाके और उस पर साइन करके उसको फिर से वहाँ पे अपलोड कर देना है। इससे क्या है कि जो वो आपकी फैमिली आईडी है वहाँ पे कंफर्मेशन पहुँच जाएगा कि आपकी फैमिली आईडी में जो इनकम अब जो ठीक होके आई है वो एक्यूरेट है या नहीं आपके हिसाब से। अगर आपके हिसाब से है तो आप पे साइन करके आप अपना जो है उसको दोबारा से वहाँ पे अपलोड कर दीजिए फैमिली आईडी में, तो उसके कुछ टाइम बाद ही जो आपका राशन कार्ड है वो बन के आने की संभावना है। ये मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ लेकिन यह भी एक रीज़न है, जब आपकी फैमिली आईडी में इनकम ठीक हो जाएगी तो आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, निकलवाने के बाद में उसको साइन करना है और साइन करने के बाद में फिर से उसको फैमिली आईडी को आपको अपलोड करवा देना है। ठीक है, परिवार पहचान पत्र वाली वेबसाइट पर। इसकी जानकारी आप जाके सीएससी सेंटर पे जो भी आपके पास में पड़ता हो वहाँ पे जाके ले सकते हैं इसके बारे में। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप ज़रूर अपने जो दोस्त हैं अपने मतलब जो रिलेशन में है वहाँ तक पहुँचाएँ, इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं अच्छी अच्छी और ऐसी एक्यूरेट जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ जो कि मैं खुद फेस करता हूँ। वही वीडियो मैं ज़्यादातर अपने चैनल पे डालता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ में। बाय बाय।